आप देख रहे हैं टेक्निकल ग्रीवा, मैं हूं ग्रीवा और स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आजकल YouTube चैनल कुछ ज़्यादा ही हैक हो रहे हैं और YouTube चैनल हैक होने की प्रॉब्लम कुछ ज़्यादा ही बढ़ रही है, इसलिए इसके लिए आपको पहले ही सतर्क हो जाना चाहिए ताकि आप अपने चैनल को सेफ रख सकें। आपको पता है कि आपको अपने चैनल को सेफ रखने के लिए जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है आपका पासवर्ड। आपको अपनी आईडी का पासवर्ड काफ़ी ज़्यादा हार्ड क्रिएट करना है ताकि आपका चैनल सेफ रह सके। बट कभी कभी इससे भी प्रॉब्लम हो जाती है, कभी कभी हम काफ़ी ज़्यादा हार्ड पासवर्ड रखते हैं फिर भी हमारा चैनल हैक हो जाता है। सो आज के इस वीडियो में हम यही जानेंगे कि आप अपने चैनल को हैक होने से कैसे बचा सकते हैं और आप कैसे पता कर सकते हैं कि आपका चैनल हैक हो गया है और हैक होने के बाद आप अपने चैनल को वापस कैसे ला सकते हैं। सो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा क्योंकि ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और जानते हैं सबसे पहले कि आप अपने चैनल को हैक होने से कैसे बचा सकते हैं। सबसे पहली चीज़ जिससे आपका चैनल हैक हो सकता है वो है फेक स्पॉन्सरशिप। अपने चैनल को सेफ और सिक्योर रखने के लिए आपको फेक स्पॉन्सरशिप से बचना होगा, तभी आप अपने चैनल को हैक होने से बचा सकते हैं। उसके बाद अगर आप किसी भी वेबसाइट पर लॉगिन करते हैं अपनी जीमेल आईडी से तो उसमें भी आपको काफ़ी ज़्यादा सतर्क रहना चाहिए। अगर आपको पूरा कॉन्फिडेंस है कि वो वेबसाइट ठीक है, उसमें कोई स्पैम नहीं होगा, तब तो आप उस पर लॉगिन कर सकते हैं। बट अगर आपको उस वेबसाइट के ऊपर थोड़ा सा भी शक है तो आपको अपनी आईडी से उस वेबसाइट पर लॉगिन नहीं करना चाहिए। अक्सर न्यू यूट्यूबर्स जो होते हैं वो फॉलोअर या सब्सक्राइबर बढ़ाने के चक्कर में किसी भी वेबसाइट पर लॉगिन कर देते हैं अपनी जीमेल आईडी से ताकि उनके चैनल पर सब्सक्राइबर जल्दी बढ़ जाए। बट ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। अगर आप किसी भी फेक वेबसाइट पर लॉगिन करते हैं अपनी जीमेल आईडी से तो इससे भी आपका चैनल हैक हो सकता है और काफ़ी चैनल ऐसे भी हैक होते हैं। सो किसी भी वेबसाइट पर अपनी आईडी लॉगिन करने से पहले आपको उस वेबसाइट के बारे में अच्छे तरीके से जान लेना चाहिए। और भी कई ऐसे टिप्स हैं जिन्हें अगर आप फॉलो करते हैं तो आप हैकिंग से बच सकते हैं। इस पर मैंने ऑलरेडी वीडियो बना भी दिया है, अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा है तो लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ से जाकर आप वीडियो को देख सकते हैं। और वीडियो को देख ही लीजिएगा क्योंकि ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो चलिए अब हम ये जान लेते हैं कि हमें कैसे पता चलेगा कि हमारा YouTube चैनल हैक हो गया है। तो सबसे पहली चीज़ जिससे आपको पता चल सकता है कि आपका चैनल हैक हुआ है, अगर आपके चैनल में कुछ ऐसे चेंजेस हुए हैं जो आपने नहीं किया, जैसे कि अगर आपके प्रोफाइल पिक्चर चेंज है या फिर आपके चैनल का नेम चेंज है, तब आपको बिल्कुल समझ जाना चाहिए कि आपका YouTube चैनल हैक हो चुका है। अगर आपके चैनल पर कुछ ऐसे वीडियोस अपलोड हुए हैं या फिर कुछ पोस्ट किए गए हैं जिसे आपने नहीं किया है, या फिर आपके चैनल पर लाइव स्ट्रीम चालू है और वो लाइव स्ट्रीम आप नहीं कर रहे हैं, तब भी हो सकता है कि आपका चैनल हैक हो गया है। और अगर आपके गूगल अकाउंट का मिसयूज़ किया गया है, तब भी आपको समझ जाना चाहिए कि आपका गूगल अकाउंट हैक हो चुका है और ऐसा होने पर आपको मेल भी आ सकता है। तो सबसे मेन चीज़ जो है, अगर आपके चैनल का प्रोफाइल चेंज हुआ है या फिर आपके चैनल का नेम चेंज हुआ है, कोई ऐसी वीडियो अपलोड हुई है जिसे आपने नहीं किया, कोई ऐसा पोस्ट अपलोड हुआ है जिसे आपने नहीं किया, तो ये सब आपके चैनल की हैकिंग की तरफ इशारा करते हैं और आपको तुरंत समझ जाना चाहिए कि आपका चैनल हैक हो गया है। तो ऐसे में अब आप क्या कर सकते हैं? अगर आप अपने चैनल को वापस लेना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको जो चीज़ करना है वो है अपने पासवर्ड को आपको चेंज करना है। अगर अभी तक आप अपने चैनल को देख पा रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि हैकर ने अभी तक आपके चैनल का पासवर्ड, आपकी आईडी का पासवर्ड चेंज नहीं किया है। तो ऐसे में सबसे पहले आपको अपनी आईडी का पासवर्ड चेंज करना चाहिए और उसके बाद डायरेक्ट आपको यूट्यूब टीम से बात करनी चाहिए, क्योंकि अगर आपका चैनल हैक हुआ है तो उसे वापस लाने में केवल यूट्यूब टीम ही आपकी मदद कर सकती है। अगर आपने इन चीज़ों को जल्दी से कर लिया, आपने अपनी आईडी का पासवर्ड चेंज कर दिया या यूट्यूब टीम से बात भी कर ली, तो आपका यूट्यूब चैनल जल्दी वापस भी आ सकता है। तो इसकी काफ़ी ज़्यादा गारंटी भी नहीं होती है कि आपका चैनल वापस आ ही जाएगा। तो अगर आपके चैनल पर काफ़ी ज़्यादा सब्सक्राइबर्स हैं तो आपको ऐसे में तुरंत अपने लिए दूसरा YouTube चैनल क्रिएट कर लेना चाहिए। एंड हो भी सकता है कि आपका चैनल वापस आ भी जाए, बट आपके लिए दूसरा चैनल क्रिएट कर लेना भी सही होगा। सो आई होप कि आप समझ गए होंगे कि आप अपने चैनल को हैकिंग से कैसे बचा सकते हैं और आपका चैनल हैक हुआ है ये आप कैसे पता कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।